नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम में हमने एनमैप में देखा था टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस तक, इस बार हम लोग देखेंगे फायरवॉल्स, आइडियाज, इवेजन्स एंड स्पूफिंग। तो चलिए आइए देखते हैं। The nmap and minus f. वेबसाइट का नाम डाल दिया secure-r.in। देखते हैं क्या फायरवॉल की डिटेल हमको शो करती है। फायरवॉल की डिटेल बिजनेस यहाँ नहीं शो करी, हम लोग इस आईपी डालते हैं 192.168.2.8 डालते हैं। ओके, एक सेट ऑफ आईपी डालते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। देखिए रिजल्ट आ गया है, इसने सब 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.8 सारे आईपी की डिटेल्स दे दी। 64 स्टार रैम। आप MTU माइनस डी लगाते हैं। और अपने आईडी डालते हैं, वेबसाइट का नाम। इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया हमें, हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं माइनस एस। आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.2.0/24। एक पर्टिकुलर आईपी डालते हैं, फिर उसके बाद hack.me एक और ईमेल आईडी, एक और वेबसाइट नाम डालते हैं। ये भी इसने एड्रेस नहीं दिखा दिया। अब स्पेसिफिक इंटरेस्ट स्पेस के लिए हम लोग माइनस सी का यूज करते हैं।
qr.in. ओके ये भी नहीं दिखा पाया. फिर हम लोग अपनी आईपी डाल देते थे 192.168.2.8 डालते हैं. ओके 2.0/24 डाल देते हैं. ओके इसने भी नहीं निकाल पाया. अब यूज स्पेसिफिक इंटरफेस, इंटरफेस के लिए स्मॉल ही यूज करते हैं, स्मॉल ही यूज कर रहे थे इंटरफेस. माइनस जी यूज गिवन पोर्ट नंबर, माइनस जी यूज करते हैं पोर्ट नंबर दे देगा. वेबसाइट डालते हैं उसमें secure.in. ओके कोई एक पर्टिकुलर आईपी डाल के देखते हैं. ओके ये भी रिजल्ट नहीं दिया इसने. टीटीएल देखते हैं, टीटीएल nmap TTL. Okay. secure.r.in डालते हैं. ये भी नहीं बताया पाया ये. और 0/24 डालते हैं. ओके अब आउटपुट आउटपुट देखते हैं. अब नेक्स्ट आउटपुट ONOX OS OG. ये बेसिकली XML स्कैन है. आइए देखते हैं nmap win. secure.in कोई रिजल्ट नहीं दिया. सेटअप आईपी डालते हैं 192.168.168.20.24. ये भी नहीं दिया इसने. hack.me डालते हैं. ये भी नहीं दिया. ox करते हैं, ओवन की जगह ox. ox ox भी नहीं दिया. secure.in secure.in ये भी इसने रिजल्ट नहीं फाइंड आउट किया. OS डालते हैं. ये भी रिजल्ट नहीं दिया. देन OG डालते हैं. ये भी कोई रिजल्ट नहीं दिया. ओके अब OA डालते हैं. आउटपुट इन द थ्री मेजर फॉर्मेट एट वन. OA डालते हैं. माइनस भी डालते हैं वर्बोसिटी के लिए. होस्ट इन टाउन यू पुट इज रेडी अब टॉकिंग योर पिन प्रो ट्राई माइनस PN.
अब हम एक पूरी ग्रुप ऑफ आईपी डाल देते हैं अगर पूरे 255 होस्ट को स्कैन करेंगे पूरे 255 होस्ट को स्कैन किया इसने एआरपी पिंग स्कैन है ये एआरपी पिंग स्कैन में एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल पैरेलल डीएनएस रिजोल्यूशन कंप्लीट पैरेलल डीएनएस रिजोल्यूशन होस्ट 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बाकी के होस्ट डाउन है और जो होस्ट अप है उसकी डिटेल यहाँ पे इसमें दे दी है ओपन पोर्ट 213 होस्ट लेफ्ट 21 22 23 26 29 इतने होस्ट हमारे अप है उसके रिजल्ट इसने दे दिए सिक्योर आर डॉट इन किसी वेबसाइट को स्कैन ही कर रहा है स्टेल्थ स्कैन कर रहा है चार पोर्ट ओपन है कंप्लीट पिंग स्कैन वन टोटल होस्ट अप है कंप्लीट पैरेलल डीएनएस रिजोल्यूशन वन होस्ट इनिशियल सिंक स्टेल्थ स्कैन स्कैनिंग सिक्योर डॉट इन 1000 पोर्ट डिस्कवर ओपन पोर्ट 80 एंड मोर 443 होस्ट इज एप स्टेट एंड सर्विस एटीट ओपन फॉर एचटीटीपी एंड एचटीटीपी ये रिजल्ट फाइंड आउट किया हैक डॉट इन क्या करते हैं ये रिजल्ट दिया अब इसके बाद माइनस डी यूज करते हैं डिबगिंग के लिए ये देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है होस्ट मिनिमम मैक्सिमम आरटीपी टाइम आउट मैक्सिमम स्कैन डिले पैरेलल मैक्सिमम रिटायर्स मिनिमम रेट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने रिजल्ट दिया 53 टीसीपी पोर्ट डोमेन 80 HTTP 443 HTTPS 49156 अनोन पोर्ट एंड फाइनल टाइम फॉर होस्ट 362277 ये हमारा रिजल्ट आया और सिक्योर आर डॉट इन का देखते हैं ये हमारा सिक्योर आर डॉट इन का रिजल्ट आया अब हम किसी पर्टिकुलर आईपी को देते हैं 192.168.168.28 देखते हैं ओके अब हम ग्रुप ऑफ आईपी को देखते हैं अब देखते हैं
miscellaneous. Enable IP version scanning and map -6 secure r.in. ये रिजॉल्व नहीं कर पाया पर्टिकुलर आईपी देखते हैं 192.168.2.0.24 ये भी पर्टिकुलर आईपी को स्कैन नहीं कर पाया यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं ठीक है ये नहीं कर पाया आईपी वर्जन से स्कैनिंग माइनस ही करते हैं ये इनेबल ओएस डिटेक्शन वर्जन डिटेक्शन स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट ये सारी चीजें फाइंड आउट करेगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें लेकिन ये हो जाएगा ये देखिए इसने फाइंड आउट करा पोर्ट सर्विस वर्जन कौन कौन से पोर्ट ओपन है कौन कौन से सर्विसेज पे इनेबल्ड है ट्रेस रूट इसने फाइंड कर दिया अब एक सेट ऑफ आईपी ले लेते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ आईपीस को स्कैन करने में इसे टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर कमांड को ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए हम लोग दूसरा दूसरा टर्मिनल खोल देते हैं अब देखते हैं माइनस पी ये प्रिंट वर्जन दिखाएगा प्रिंट वर्जन या लिनक्स जीएनयू कंपाइल विल रिव्यूलर 531 ओपन एसएसएल ओके अब एक लास्ट में देखते हैं एनमैप माइनस वी माइनस ए सिक्योर आर डॉट इन loaded
143 script for scanning NFC, script pre-scanning initialization, complete NFC, 4 ports open, valid DNS resolution of one host, discovered open port, it can discover open port way. ये हमारी इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी रिजल्ट हमको दे दिया है. इसी तरह nmap minus v minus sn 1192.168.2.0.16 port find out करने में. जो जो पोर्ट हमारे आप हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है. रिजल्ट को पिंग कर रहा है इसलिए इस रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है. हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इसका. चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं.
nmap minus ox. qr.in. Okay, nmap 10.10.10.1 minus o minus sv minus p 80. The result is the host is up, state 2 minus incapacitation. This host to give specific host details, network distance 0. Please report any incorrect result. ओके अगर हम यहाँ पे जीरो 24 कर देते हैं कमांड थोड़ा टाइम ले रहा है इसलिए हम लोग दूसरा टर्मिनल ओपन करते हैं nmap minus sq 192.168.28. सारी डिटेल्स ने दे दी मैक एड्रेस सबकी डिटेल्स इसने फाइंड आउट करके दे दी qr.in. इससे हमारी OS डिटेल्स आ जाएंगी
ये देखिए ये हमारी सारी OS की डिटेल्स आ गई, OS CP Linux OS trace root सारी डिटेल आ गई। nmap minus p 1265 000 minus sp minus o minus ss minus t4 secure r.in फिर से हम डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं अपनी वेबसाइट का। कमांड आप दोबारा से देख लीजिए, nmap minus p 1265000 minus sp minus o minus ss minus t4 secure.in क्योंकि इस वाले कमांड में हमने काफी चीजें पूछ ली हैं, इसलिए इस कमांड को प्रोसीड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वी हैव टू वेट। रिजल्ट की स्पीड आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करती है, कैसा आपका नेटवर्क चल रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा nmap के सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए और ये nmap टूल कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। तो देखिए इसने डिटेल सारी दे दी, OS की OS फिंगरप्रिंटिंग इससे मिल गया। तो दोस्तों ये था nmap का वीडियो। आगे मैं और भी टूल्स Kali Linux के डालता रहूंगा, और भी वीडियो डालता रहूंगा। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।